नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ गई है बजाज की तरफ से एक और न्यू बाइक। और ये बाइक है कुछ खास, क्योंकि ये अपने सेगमेंट की ही नहीं पर दुनिया की सबसे पहली CNG बाइक है। ये बिल्कुल आपने सुन लिया होगा, बजाज ने लॉन्च कर दी है अपनी CNG फ्रीडम। ये आपने देख रहे हो फ्रीडम, बेसिकली पूरा नाम है फ्रीडम 125 NG04। अब यहाँ पर देखिएगा NG04 है, 04 नहीं है, पर इसका मीनिंग मुझे पता नहीं है फ्रीडम का, तो ठीक है। और ये काफ़ी पसंद आया मुझे, इंडियन फ्लैग इधर। तो देखते हैं क्या क्या ट्राई किया है बजाज ने इस बार CNG। तो फर्स्ट आप देखेंगे ये आपको मिलती है LED हेडलाइट्स, इसको अभी ऑन कर देता हूँ। ये हो गई स्टार्ट इसकी LED लाइट, ये हो गई डबल, यहाँ से कंट्रोल होती है, वो सब तो बाद में देखेंगे। ये हो गई LED लाइट, काफ़ी अच्छा थ्रो है इसका। आप देखेंगे दो इंडिकेटर्स जो कि हेलोजन है, छोटे छोटे बल्ब, इतना ही फेस है, काफ़ी बड़ा फेस नहीं है। और आप देखेंगे फ्रीडम की बेजिंग यहाँ मिल जाती है सस्पेंशन पे, ये टेलीस्कोपिक है 125 स्ट्रोक के साथ। और ये अपने पास है ब्लू कलर, ब्लैक में भी आती है, वाइट में भी आती है, सिल्वर में भी आती है, मतलब सिल्वर इंसर्ट है। और ये अपने पास से ब्लू कलर, ब्लैक आती है और एक वाइट आती है। आप देखेंगे दूर से पूरा लुक, ये सबसे टॉप मॉडल है डिस्क ब्रेक, फ्रंट डिस्क ब्रेक वाला, बाकी दोनों ड्रम आते हैं। तीनों में फ़र्क भी बताऊंगा मैं, प्राइस का भी और फीचर का भी। ये आप देखेंगे इसका फ्रंट टायर, 90 सेक्शन का टायर है, 16 इंच व्हील है, सॉरी आगे 17 इंच व्हील है। यहाँ आप देखेंगे 90, 80 और 17। और आगे आपको मिलती है 130mm की डिस्क ब्रेक, देखें काफ़ी बड़ी डिस्क ब्रेक, कैलिपर का नाम यहाँ नहीं दिया गया है। ये आप देखेंगे साइड से 1.3 मीटर व्हील बेस है, 2 मीटर से ज़्यादा लेंथ है। और सबसे बड़ी खासियत है इसकी सीट, ये आप देखेंगे काफ़ी बड़ी सीट है नॉर्मल सीट से, तो ये आप अपन बैठ सकते हैं, मैं गिनूंगा तो फिर एक हो जाए, दो हो जाए, 3, 4 और 5, और अगर लड़के हैं तो फिर 6 भी एडजस्ट कर सकते हो और 7 भी। तो देखते हैं इसका आगे का पोर्शन। ये हो गया बजाज की बेजिंग और यहाँ पर फ्रीडम लिखा हुआ है। और इसका फ्यूल टैंक, NG04 की बैजिंग, अपना हैंडल, इसका ब्यूटीफुल सा 125cc का इंजन, मतलब 124.something cc का इंजन, ये वही सीसी के सेगमेंट में आती है। गियर सिस्टम देखेंगे तो नॉर्मल बजाज जैसी है, 1 down 4 up। और इसके गियर्स और स्टैंड, पीछे आपको मिलते हैं मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स, और ये अपना फुट रेस्ट, और ये अभी प्रोटेक्शन, ये अपने अलग तरह के दिए लटकाने के लिए। यहाँ पीछे से देखेंगे तो कुछ ऐसी दिखती है, लाइट ऑन करता हूँ एक बार। लाइट ऑन यहाँ पे दी गई है, टेल लाइट LED है फुल्ली, पूरा रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए जगह है, और यहाँ भी CNG की बैजिंग है। ये आपने देख ली होगी टेल लाइट, और ये काफ़ी बड़ी सीट मैंने खोल रखी है, खोल के भी दिखाऊंगा। और यहाँ इंडिकेटर्स, और ये चेन ड्राइव, पीछे का टायर सेक्शन देखते हैं अभी, ट्यूबलेस टायर है। और ये हो गया 120 सेक्शन का टायर, 17-16 इंच व्हील है पीछे, साफ साफ दिख रहा होगा आपको। और यहाँ भी कुछ किया है इन्होंने, कुछ फैमिली बनाई है बजाज की तरफ से। और ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये आप देखेंगे स्विच के लिए, यहाँ से आप पेट्रोल और CNG में स्विच कर सकते हैं ऑन कार में ही, मतलब ऑन बाइक में ही। और ये अपनी लाइट की सेटिंग, ये हो गया क्लच, यहाँ पे इंडिकेटर सेटिंग्स, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ ऐसे दिख जाएगा, ये हो गया इंडिकेटर। और यहाँ हो गया अपना फ़ोन के लिए, ये अपने कॉल कंट्रोल्स, मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है इसमें। और अपने साइड मिरर्स, और ये कुछ ऐसा दिखता है हैंडल का व्यू, काफ़ी ऐसा हैंडल है। और यहाँ आप देखेंगे काफ़ी छोटा फ्यूल टैंक है, 2 लीटर का फ्यूल टैंक है, दोनों में 2 kg का अपना होता है। ये CNG जो इसके नीचे है वो मैं खोल के दिखाऊंगा,
और इधर है अपना 2 लीटर का फ्यूल टैंक। 2 लीटर के फ्यूल टैंक से बजाज क्लेम करती है वो पेट्रोल वाले टैंक से 65 किलोमीटर रेंज पर लीटर, मतलब उसका हो जाएगा 130 किलोमीटर रेंज, और टोटल होती है 330। जो 200 आती है वो यहाँ से आती है सीएनजी से, 1 किलो सीएनजी से करीबन 100 किलोमीटर की क्लेम करती है रेंज। फिर आप देखेंगे छोटी सी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये गियर, ये हो गया ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए, टॉप मॉडल में आता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, बाकी 2 मॉडल में नहीं आता है। अपना न्यूट्रल, ये हो गया फ्यूल गोज, और ये हो गया अपना इंजन, इंजन के लिए दिख रहा होगा आपको। ये आप देखेंगे यूएसबी पोर्ट है, देख लीजिए। यहाँ जाता है अपना सेल्फ स्टार्ट, यहाँ कुछ नहीं आगे, और यहाँ किक स्टार्ट भी दिया गया है आप देख सकते हैं। उधर से तो दिखाया नहीं, दिखा देता हूँ अभी, ये देख लीजिए किक स्टार्ट। ये हो गया बजाज का लोगो इंजन पे, जो कि ब्रेक, कॉम्बाइन ब्रेक सिस्टम है जो कि हर बाइक में आती है अभी। जो इसका एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट भी सुनेंगे अभी, फुट रेस्ट, और यहाँ भी ग्राफिक्स, यहाँ बजाज का लोगो, उसके नीचे लिखा हुआ फ्रीडम। देखते पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर नज़र डाल देते, सिंपल सा है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, जो जो फीचर नेसेसरी था वो सब दे दिए टॉप मॉडल में। ये हो गया टाइम, ये हो गया अपना रेंज, ओडोमीटर, ये हो गया स्पीडोमीटर, और वेलकम करेगा कुछ ऐसे, लेट अस राइड, ये हो गया कुछ ऐसे, यहाँ भी साइड मिरर। सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट नॉट, मैंने ये इतना लंबा इसलिए चलाया क्योंकि दोनों में किया था, एक पेट्रोल में और एक सीएनजी में भी स्विच कर दिया बीच में, तो दोनों का आवाज़ में बिल्कुल डिफरेंस नहीं आया, तो ये एक खास बात है बजाज की तरफ से। जैसे इसका आगे का लुक, आते हैं इसके ब्यूटीफुल से इंजन पर। इंजन वही 125 cc, मतलब 124.43 cc का, करीबन 9.5 BHP पावर और 9.7 Nm टॉर्क के साथ आता है ये, और काफ़ी इनफ है सीएनजी बाइक के लिए। आप देख सकते हैं इंजन, रिगार्ड, लेग गार्ड, दिखते इसका सीएनजी टैंक, देखिए सीट ऐसे खुल जाएगी अपनी, ये इसका सीएनजी टैंक, जो कि बैटरी, ये इसका 2 kg का सीएनजी टैंक, ऐसे रख देंगे। सीट खोलना, खोलना हो आपको तो आप यहाँ से खोल सकते हैं उसी चाबी से, ये कुछ ऐसे दिखती है इसकी चाबी, और यहाँ से बिल्कुल खोल सकते हैं आप, और उसी चाबी से, और ये हो जाएगा अपना फ्यूल खोलने के लिए। यहाँ जाता है अपना सीएनजी भरने के लिए, और ये अपना पेट्रोल के लिए, दोनों में 2-2 का ही कैपेसिटी है। और यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन, तो कुछ ऐसे थी अपनी बजाज की फ्रीडम 125। आपको कैसी लगी? मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसका कर्व वेट बता देता हूँ, 147 kg, पावर है 9.5 BHP, वंस मोर 9.7 Nm टॉर्क है। तो कुछ ऐसी इसकी स्पेसिफिकेशन, आपको कैसी लगी? और ये पहल काफ़ी अच्छी है सीएनजी के लिए, मतलब आप फुल टैंक, दोनों फुल टैंक करवाएंगे तो 330 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। प्राइस की बात करें तो ये इसका एक्सोरूम प्राइस 95,000 है, ये अपने पास टॉप मॉडल है, ये आपको पड़ती है 1,29,500 में अहमदाबाद में। बाकी इसके नीचे 2 और मॉडल आते हैं, दोनों में ही करीबन 9-10 हज़ार का फ़र्क है, तीनों में ही 9-10 हज़ार का, तो आप जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। फ़र्क इतना है, यहाँ आती है आपको LED, यहाँ जाती है अपना डिस्क ब्रेक, कुछ ऐसा है इसका स्पेसिफिकेशन। आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर बताइए, बाकी पसंद आए तो लाइक, और कमियाँ मिस इन्फॉर्मेशन दिखे तो कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।